आज हम इस धन्य रानी मरिया का प्रथम पर्व मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। आज के दिन हम सबके लिए एक ऐतिहासिक व विशेष दिन है, इसीलिए इस समारोह को पवित्र युगिस में धन्य रानी मरियम चर्च उदयनगर की ओर से मैं आप सबों को हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे स्वर्गीय धन्य रानी मरिया हमारे लिए वो सारी आशीष एवं कृपाएं हासिल करें जिनकी हमें जरूरत है। वे शीघ्र ही संत की उपाधि से नवाजी जाएं और जल्दी ही हम उनका पर्व ये धन्य के रूप में नहीं परंतु संत रानी मरिया के रूप में मना सकें। एक बार पुनः आप सबों को सत सत अभिनंदन सुस्वागतम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। धन्य रानी मरिया आप सबको आज और आने वाले दिनों में निरंतर प्रेरणा देती रहे सेवा करने के लिए और अपने भाई बहनों के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए, और आपके समर्पित जीवन में प्रभु आपको आशीष और सफलता प्रदान करें। आज के पहले पाठ में यरमियास नबी के उस ग्रंथ से हम सुनते हैं, माता के गर्भ में जन्म लेने से पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया और चुन लिया है। कितनी बड़ी बात है। रानी मरिया जरूर यह विश्वास करती थी, हम भी विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हमें चुना है, जाना है, प्रभु के लिए हम सब प्यारे हैं। तो इसी विश्वास से प्रेरित होकर रानी मरिया अपना जीवन बलिदान दिया था। वैसे प्रभु ने सुसमाचार यौहन के अनुसार ये भी कह डाला है, इससे बढ़कर कोई प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना जान दे दे। प्रेम का सच्चा सपूत तभी है जब हम दूसरों के लिए सतावट सहने के लिए और प्राण भी देने के लिए तैयार हो। रानी मरिया ने यही किया है और प्रभु के इन वचनों पर उन्होंने विश्वास किया है, और ये हमारे लिए भी प्रेरणा देती है। सतावट के समय, दुख के समय प्रभु के पर भरोसा रखना और उनके उन वचनों पर विश्वास करते हुए सब कुछ अपने भाई बहनों के हित में सह लेना। तो आइए आज जब हम रानी मरिया की याद करते हैं, उनके द्वारा प्रार्थना करें कि वही साहस, वही प्रेम, वही धीरज हमें भी प्राप्त हो, ताकि हम भी अपने भाई बहनों को तय दिल से प्रेम करते हुए सेवा कर सकें और हमारे उन सेवाओं में प्रभु की आशीष हमें निरंतर मिलता रहे। ग्रंथ से पहला पाठ अध्याय एक पद संज्ञाएं 4-10 तक। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, हाँ प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, यह ना कहो मैं तो बच्चा हूँ, मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूँगा तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुम्हें बताऊँगा तुम वही कहोगे।
मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के सहभागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ भी मांगोगे वही तुम्हें प्रदान करेगा। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूं, एक दूसरे को प्यार करो। आज हम में से हर एक में भी आप सब यहां इसलिए आए हैं, हम तीर्थ यात्री हैं। वी आर कम हियर एज पिलग्रिम्स एंड हमारा एक भावना विचार और हमारा एक प्रकार से आंख इच्छा है कि कुछ तीर्थ यहाँ से लेकर हम जाएंगे और हम हमारा जो एक्सपीरियंस अनुभव है हम दूसरों को बांटेंगे, क्योंकि ऑल कैन नॉट कम, वी आर प्रिविलेज टू कम टू बी इन दिस पुण्य स्थल एंड वी थैंक गॉड दैट ईच ऑफ अस हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू कम दिस प्लेस एंड रिसीव सम ब्लेसिंग्स एंड सम ऑफ इट आई विल डिस्ट्रीब्यूट अदर पीपल। उसके पहले ऐसा तो मैं एक बात बोल साफ सबों को आज के त्यौहार का मुबारकबाद अर्पित करना चाहता हूँ। जैसे हमसे बताया गया है कि हम सब जानते हैं वी आर सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट फीस्ट ब्लेसड मार्टर रानी मरिया एंड वी नीड टू थैंक गॉड फॉर दिस मार्टर एंड वी अप्रिशिएट गॉड्स अबंडेंट ब्लेसिंग्स एंड थैंक गॉड फॉर दिस फीस्ट He has given to us. आज का पहला पाठ में हमने सुना कि ईश्वर हमें चुना है। God has called us even before we are born. हमें से कोई भी यहाँ यूं ही नहीं है, जैसे कि हम कुछ करना नहीं है, जैसे चले आए, ऐसा नहीं है। ईश्वर की योजना के अंतर्गत हम ईश्वर ने हमको चुना है और ईश्वर हमें चुनकर एक उद्देश्य के लिए हमें भेजता है। आज का पहला पाठ का संदर्भ है कि धन्य रानी मरिया। ईश्वर ने चुनकर भले ही उनका जन्म सुंदर गीत होता है, केरल की कुमारी इंदौर की रानी मरिया, क्योंकि ईश्वर उनको चुनकर यहाँ भेजा है, नॉट द कॉन्ग्रीगेशन एंड ऑफ अस गॉड। तो एक बात हम सबको याद करना है, एहसास होना है कि ईश्वर हमको चुनता है और ईश्वर की उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईश्वर सब कुछ करता है। सुसमाचार में हमने सुना कि इससे बढ़कर क्या प्रमाण हमारा हो सकता है, जिसको हम प्यार करते हैं उसके लिए हम आत्मत्याग करें अपने आप को। ये तो वहाँ लिखा हुआ है, ये तो यहाँ लिखा हुआ है, ये तो हम बार बार पढ़ते हैं उसको, हम बहुत सारे प्रवचन होते हैं। और आज के इस संदर्भ में जब हम वी आर सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट फीस्ट ऑफ ब्लेसड मार्टर रानी मरिया, वी आर नॉट मियरली हियर ओनली टू प्रशंसा करने के लिए, स्तुतिगान करने के लिए,
मैंने जब 5 नवंबर को यहाँ प्रवचन दिया था उस दिन का अखबार जो इंदौर में हिंदी में प्रकाशित हुआ उसमें लिखा था, उसका मैंने यह उदाहरण किया था कि बलिदान के लिए बलिदान पर स्तुतिगान, बलिदान पर स्तुतिगान, क्योंकि बलिदान रानी मरिया का है। और वहाँ इंदौर में भारी भीड़ के दरमियान, भारी भीड़ के अंतर्गत बहुत सारे कार्डिनल बिशप लोग सिस्टर्स फादर का बहुत बड़ा स्तुतिगान किया वहाँ। तो हेडलाइन था बलिदान पर स्तुतिगान। और हम यहाँ हम एक स्तुतिगान सत करते हैं उस महान आभूति के लिए, उस व्यक्ति के लिए, उसके जीवन के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं सोचता हूँ उससे हम तृप्त नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट मियरली सैटिस्फाइड बाई प्रेसिंग एंड थैंकिंग गॉड फॉर दिस ग्रेट लव, बट आई एम टू रिसीव, व्हाट एम आई टू डू। ईश्वर हमसे न केवल स्तुतिगान चाहता है, ईश्वर हमसे न केवल प्रशंसा करते हैं, और हम ये भी हम बार बार पढ़ते हैं बाइबल में, फेथ विदाउट एक्शन इज यूजलेस। तो एक्शन होना है हमें, इसलिए हम कह सकते हैं मेरे लिए धन्य रानी मरिया इज अ चैलेंज। इट्स नॉट समवन हुम आई शुड एडमायर एंड मे बी आई ऑफर ए फ्लावर इन फ्रंट और फोटो, ये तो मैं करता हूँ, करूँगा ही, हम सब करते हैं, ना तमस होते हैं, बट व्हाट द चैलेंज दैट शी इज ऑफरिंग, आर वी एबल टू एक्सेप्ट द चैलेंज एंड लिव, दैट डेफिनेटली इज द स्तुतिगान एक प्रकार से, दैट एक्सैक्टली इज व्हाट रानी मरिया इज थ्रोइंग ओपन टू ऑल ऑफ अस टू सफर and do something for our people. We are now in the season of Lent. चालीसा के समय से गुजर रहे हैं, चालीसा का तपस्या का समय है, प्रार्थना का समय है, क्रूस रास्ता में भाग लेते हैं, बहुत कुछ छोटा छोटा कार्य हम करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सब बहुत, पर साथ साथ एक छोटा सा एक्शन, एक छोटा सा कार्य दूसरों के लिए करने के लिए भी यह समय हमें एक प्रकार से वशभूत करता है, मजबूर करता है, और एक प्रकार से हमें ताकत भी देता है। टुडे आज वी आर सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट फीस्ट ऑफ सिस्टर रानी मरिया हु वाज प्रूव्ड लाइक जीसस, आई कैन नॉट डू एनीथिंग बेटर दैन दिस एंड आई हैव डाइड फॉर यू। और आज के सुसमाचार के आखिरी में हमने ये सुना ईश्वर के यीशु के मुंह से, मैं तुम्हें एक नया आदेश देता हूं, एक दूसरे को प्यार करो। ये न केवल हम समझे, हमारे जो मिशनरी दावत से कार्य से दूसरों को समझाना चाहिए कि हमें ईश्वर इतना ही सिखाया है। ही हैज नॉट गिवन अस बिग बुक बाइबल, ही हैज नॉट गिवन अस रूल्स एंड रेगुलेशन, जीसस हैज जस्ट टोल्ड अस टू लव वन अनदर, एक दूसरे को प्यार करो, इतना ही प्रभु ने हमें सिखाया है। इससे क्यों दूसरे लोग डरते हैं? शायद ये लोग इसलिए डरते हैं, हम इस सिद्धांत को, इस जीवन पद्धति को, इस मुख्य और यही यीशु का आदेश को हम जीते नहीं है, जीते नहीं है, इसलिए हम दर्शाते नहीं है, इसलिए लोग हमारे बारे में शायद गलत सोचते हैं, इसलिए हमारा एक प्रकार से विरोध भी करते हैं। कौन इस बात पर रुकावट कर सकते हैं, कौन इसको रोक सकते हैं कि जब एक दूसरे को हम प्यार करें, उस प्यार का सीमा अंतर्गत कोई सीमा नहीं है, का कोई धर्म व्यक्ति विशेष नहीं होता है। ये तो ही रानी मरिया ने अपने बातचीत से नहीं, रहन सहन से नहीं, कुर्बानी से सिखाया है। उसने सबको प्यार किया और यहाँ तक गरीब तबके के लोगों को, आदिवासी लोगों को, कमजोर वर्गों को प्यार करते हुए कुर्बानी अपने जीवन का अर्पित करते हुए उन्होंने प्रभु का एक ही आदेश, एक दूसरे को प्यार करो, उसको उन्होंने कार्य में परिवर्तित किया है। तो मैं सोचता हूँ उसका ये चैलेंज मैं एक्सेप्ट करूँ, आप एक्सेप्ट करेंगे, थोड़ा सा और सबको प्यार करने का एक बात ही नहीं प्रवृत्ति, एक्शन हमारे जीवन में आएंगे।
मैं सोचता हूँ वही सही सही मायने में श्रद्धेय या ब्लेस्ड रानी मरिया के प्रति हमारा पुष्पांजलि होगी। रानी मरिया हम सबों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए साहसी कार्य करने का, अपने जीवन के द्वारा दूसरों को एक दूसरे को प्यार करने का, ये प्रभु का जो आदेश को क्रियान्वयन करने के लिए हमें कृपा प्रदान करें। और हमारी प्रार्थना ये भी हो कि जल्दी जल्दी जैसे बार बार दोहराया जाता है और हमारी आवश्यक आकांक्षा है, हमारी प्रार्थना है कि जितनी जल्दी श्रद्धे धन्य मरिया रानी मरिया सेंट रानी मरिया बने, उसके लिए भी हम करबद्ध हृदय खोलकर आर्त प्रार्थना के प्रभु से, और प्रभु अवश्य ही हमारा प्रार्थना जल्दी सुने, इसके लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। आमीन।